प्यार में पढ़कर लव मैरिज करने वाली महिला अब अपने पति को पाने के लिए ससुराल में धरने पर बैठी है। मामला बक्सर थाना क्षेत्र के अमला टोली का है। महिला ने बताया कि 2007 से ही अमला टोली के रहने वाले विशाल शर्मा के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने शादी रचाई, लेकिन शादी के बाद सिर्फ 6 महीने ही वो अपने पति के साथ रह पाए, क्योंकि शादी के बाद पति उसे छोड़कर फरार हो गया। इससे पहले भी वो पति के साथ रहने के लिए कई बार गुहार लगाकर थक चुकी है, और इससे पहले भी वो ससुराल के सामने धरना दे चुकी है, लेकिन ससुराल वाले उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। पहले तो मेरा 2010 में शादी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये दूसरी शादी खुद करवाया था, ये बोल के कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम कहीं और शादी कर लो। उसके बाद वहाँ भी जाके मुझे डिस्टर्ब करने लगा और धोखे से मुझे शादी करवाया था। जिसे शादी करवाया था वो 4 बच्चों का बाप था और अनमैरिड, मैरिड नहीं था, वो मैरिड था, मतलब डिवोर्स नहीं हुआ था उसका। तो अभी क्या कीजिएगा? घर में रहेंगे, दरवाजा बंद है तो पीटते रहेंगे, चाहे 4 दिन क्यों नहीं लग जाए, यहाँ से जाने वाले नहीं है। अगर नहीं खुलेगा तो यही से आत्महत्या करेंगे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो जवाब देगा क्या? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है आप? जी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि मुझे घर में घुसाए, मेरे पति को लाके सामने खड़ा करें। आपके पति कहाँ है? मेरे पति ये लोग गायब किए हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा के रखे हैं। 7 तारीख से ही फोन इसका बंद आ रहा है, आया था ये फिर बीच में 7 फरवरी से। जी 7 फरवरी से। क्या नाम है आपका? शीतल वर्मा। कहाँ कराने वाली है? कठेरी बाजार। पिताजी का नाम क्या है आपका? महिला का आरोप है कि विशाल के साथ उसने सच्चा प्यार किया और उसके साथ शादी भी रचा ली, लेकिन उसके ससुराल वाले अब उसे अपनाना नहीं चाहते। महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है और शादी की तस्वीरें भी दिखा रही है, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसके द्वारा बताई गई सारी कहानी सच है। तो वहीं परेशान होकर पीड़ित महिला ने आत्मदाह की धमकी दी है। क्या मामला लगा आप यहाँ पे आई सर? ये मैं, इनके लड़के जो है, मेरे हस्बैंड है, शादी करके मुझे छोड़ दिया, बोल रहे हैं कि हम इसको, इस लड़की को जानते नहीं है। क्या नाम है? विशाल वर्मा। कितना दिन हो गया आपको इसके साथ रहते हुए? ये 6 महीना तो ये मेरे साथ रहे हैं, किराया पे लेके रहे हैं और घर में भी ले गए हैं और मुझे घुमाने भी ले गए थे, हनीमून मनाने ले गए थे अपनी माँ के साथ। उसके बाद 11 नवंबर को छठ का जब सुबह होता है, दूसरा अरब, उसी दिन से ये लोग गायब हुए हैं। उसी दिन से वो गायब हो गया, ये कह के कि हम सारे सुसाइड करने, हम बहुत परेशान हो गए अपने घर वालों से। ये लोग बोल रहे हैं कि तुमको छोड़ दो और हम ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम जा रहे हैं सुसाइड करने। उसके बाद 72 दिनों के बाद ये आता है महिला थाना में, जब हम केस करते हैं इन लोगों के खिलाफ, तो ये बोलता है क्या कि हम इस लड़की को जानते नहीं। कितना दिन हो गया आपको इनके साथ रहते हुए? 6 महीना तो हो गया, 6 महीना मेरे साथ रहा है। क्या आपका पहला शादी इनके साथ हुआ? पहले भी शादी हुआ था? पहले शादी हुआ था और ये सब कुछ जानते पूछते हुए भी मुझसे शादी किया है। इसका और मेरा साथ ही अफेयर। शादी का फोटो भी आपके पास? जी मेरे पास है। ये इनकी माता जी है, मेरे साथ घूमने गई है, सीख हो गया है। ये मुझसे शादी की है। देखिए शादी कहाँ की थी आपने? माँ मंगला गौरी गया में। गया में कितनी शादी? गया में ले जाके शादी किए थे। देखिए ये वैष्णो माता घूमने गए। अभी क्या बोल रहे हैं घर वाले? घर वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फोटो कहाँ से आ गया? नहीं जानते हैं ये मुझे 2007 से ही जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं ये? इससे पहले भी आप यहाँ पे आई थी एक बार रात में? जी 2 बार आ चुके हैं। और जब पहली बार हम आए थे तो इसके घर वाले बोले थे कि हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, और अब बोल रहे हैं कि हम इसको जानते नहीं हैं। देखिए सर सिंदूर डाल रहे हैं ये। अभी दिखते क्या रही हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे हैं ये लोग घर वाले? ये बोल रहे हैं कि मुझे जानते ही नहीं है, हम इसको नहीं जानते हैं, मेरा बेटा शादी नहीं किया है। आप कोर्ट गई थी, कोर्ट में लिख दी है? जी अभी क्या करना है आपको? हमको इस घर में रहना है, मुझे मेरा पति के साथ रहना है, मुझे ये मुझे छोड़ नहीं सकता। जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद किया है हर जगह से, मेरे माँ बाप भी मुझसे नाराज है क्योंकि हम लव मैरिज किए थे। किसके माँ बाप साथ देंगे बताइए? तो मेरे माँ बाप गलत नहीं है। तो बेटा भी आपके साथ में? जी। और वो शपथ जब स्टेटमेंट दिए थे, ये शपथ ग्रहण किए थे, तो बोले थे कि ये जो मेरा इसका बेटा है पूर्व पति से, वो मेरा बेटा कहलाएगा। पीड़ित महिला द्वारा ससुराल में आत्मदाह किए जाने की खबर के बाद स्थानीय पुलिस के होश उड़ गए, जिसके बाद महिला थाना और नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को समझाने की कोशिश की,
पुलिस कर्मियों द्वारा समझाने के बाद महिला ने आत्मदाह करने से मना कर दिया, लेकिन अब भी इंसाफ के लिए ससुराल में धरने पर बैठी है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी पुलिस पूरी तरह से खामोश है, पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।